हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप गूगल एड्स से अपनी वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हैं तो वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, अपने कैंपेन को रन करने के लिए आपको उसमें सबसे पहले बिलिंग सेटअप करना पड़ता है, उसमें बिलिंग मेथड ऐड करना पड़ता है, अपना पेमेंट मेथड, तभी आप किसी वीडियो को उसमें प्रमोट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप गूगल एड्स में अपने बिलिंग को कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसमें पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसे करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करके आपको उसे डेस्कटॉप वर्जन में, डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है और फिर इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप करना है ads.google.com और एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन है यहाँ पे और गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। तो हमें इससे पहले अपनी एक जीमेल अकाउंट को इसमें लॉग इन कर लेना है जिससे आपने अपना गूगल एड्स का अकाउंट बनाया हुआ है। जैसे मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको भी उसी जीमेल में लॉगिन कर लेना है। आपको ये नहीं पता कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो वहाँ ईज़िली आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद हमें इस साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साइन इन वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये अभी ओपन हो रही है, ये इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ये टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शंस दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में बिलिंग सेक्शन दिखाई देगा लास्ट में। इसमें समरी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, सेटिंग है, ऑप्शंस हैं। तो हमें इसमें समरी के ऊपर क्लिक कर देना है। समरी पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ देख सकते हैं न्यू बिलिंग सेटअप का ये ऑप्शन आ रहा है, ये हमें सेटअप करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बिलिंग कंट्री आपको दे रखी है, ठीक है, कि आप किस कंट्री से हैं। तो हम इंडिया से ही हैं, मैं भी इंडिया से ही हूँ तो इंडिया ही रहने दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, इसमें आप देख सकते हैं अकाउंट टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम यहाँ पे पहले एडिट पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दो तरह के ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इंडिविजुअल्स अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है आपका तो आप ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल रखें। बिजनेस है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। मैं इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डाल सकते हैं, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर नंबर डालेंगे नीचे, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये नेट बैंकिंग का है, मनी ट्रांसफ़र है, एड क्रेडिट डेबिट है, लिंक पेटीएम वैलेट है, ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट्स का ऑप्शन है और इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरह की पेमेंट है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम अगर ऑटोमेटिक करेंगे तो कार्ड नंबर डाल के वो मंथली अपने आप ही कट होती रहेगी, और मैनुअल पेमेंट करेंगे तो मैनुअल में वो जितना हम डालेंगे उतने ही कट होगी। उसके बाद हम यहाँ पर, मैं आपको लिंक पेटीएम वैलेट करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक पेटीएम वैलेट में यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, फिर आपके फ़ोन के ऊपर यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, जो आपने पेटीएम में जो नंबर अटैच है उसके ऊपर ओटीपी आ जाता है। फिर नीचे यहाँ पे नेम एड्रेस डालना है आपको अपना लीगल, ठीक है। और ये मैनुअल पेमेंट है, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप 500 से
कम की पेमेंट ना करें, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको कम से कम 500 की पेमेंट करनी ही पड़ती है, 500 रुपीज़ आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। तो चलिए इसको हम एक एक करके फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर वाला जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे अपना। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही फ़ोन के ऊपर ओटीपी आ जाएगा इस मोबाइल नंबर पे। जैसे मेरे इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी आ गया है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मैंने फिलअप कर दिया है, ये बाहर एंटर कर लेंगे एक बार। उसके बाद नीचे यहाँ पे नाम एड्रेस डालेंगे अपना, जो हमारा लीगल है वो वाला यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये ओटीपी तो हो गया है, इसके बाद यहाँ पे नाम अपना सही वाला डालेंगे जो हमारा लीगल है। चेंज करते हैं इनको एक एक करके। नाम डालते हैं सबसे पहले, यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको। अपना एड्रेस डालना है आपको यहाँ पे लीगल, इसमें कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी, जो आपका एड्रेस है वही यहाँ पे डालना है। ये हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी चूज़ करनी है, जौन सी सिटी में आप रहते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टल कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको डालनी है, आप किस स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इन्हीं में से सिलेक्ट करना है। तो हरियाणा है हमारी, तो हरियाणा डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट डालनी है 500, तो हम यहाँ पे 500 ही आपको कम से कम डालनी है, तो वही यहाँ पे फिलअप कर लेंगे हम। उसके बाद हमें आई एग्री पे क्लिक करना है, और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे हमें यहाँ पे पहले एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपीज़ क्रेडिट हो गए हैं, ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे मैनुअल पेमेंट है, ठीक है, पेटीएम वैलेट से ऐड हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो गए। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, पेमेंट मेथड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये अपना पेटीएम वैलेट से अभी आपको ऐड करके दिखाया है कैसे अपना पैसे ऐड करने हैं। अगर आप किसी और चीज़ से करना चाहते थे, यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, समरी पे देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप अपने गूगल एंड्स में बिलिंग को सेटअप कर सकते हैं और पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।